नोटबंदी को भाजपा ने आजादी के बाद काले धन के खिलाफ उठाया गया सबसे बड़ा और प्रभावी कदम बताया, लेकिन इससे देश भर में जो अव्यवस्था फैली है उससे यही लगता है कि मोदी सरकार ने अपने इस ऐतिहासिक कदम को उठाने से पर्याप्त होमवर्क नहीं किया था। हर रोज सरकार की ओर से नोटबंदी को लेकर जिस तरह नए नए नियम बनाए जा रहे हैं उससे साफ हो गया है कि सरकार से जमीनी हकीकत का आकलन करने में भारी चूक हुई थी। देखिए इस रिपोर्ट को। बड़े नोटों को चलन से बाहर करने से पहले सरकार को नए नोटों की व्यवस्था करनी थी, लेकिन सरकार ने 500 का नया नोट बैंकों तक पहुंचाने में ही 5 दिन लगा दिए। 2000 का नोट आया भी तो वो एटीएम में फिट नहीं बैठा, जिससे नकदी का संकट पैदा हुआ। केंद्र सरकार ने पहले ऐलान किया कि कोई भी व्यक्ति जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है वो भी 4000 रुपये तक के पुराने नोट अपनी कोई भी एक आईडी देकर किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में बदलवा सकता है। 4 दिन बाद सरकार ने लोगों को राहत देते हुए इसकी सीमा बढ़ाकर 4500 रुपये कर दी। लोगों को इससे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन अगले ही दिन सरकार ने कहा कि जो लोग एक बार पैसा बदलवाने आ गए उन्हें फिर से इसकी सुविधा नहीं मिलेगी और ऐसे लोगों की पहचान के लिए उनकी उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। इसके बाद सरकार ने ऐलान किया कि कल से एक व्यक्ति 4500 नहीं सिर्फ 2000 रुपये बदलवा सकेगा, यानी रुपए बदलवाने की सरकार की पॉलिसी 4 बार बदली, जो इस योजना की कमी को उजागर करती है। नोट बदलने के लिए ही नहीं, पैसा निकालने के लिए भी सरकार ने बार बार नए निर्देश दिए। 9 नवंबर को सरकार ने ऐलान किया कि कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट से एक बार में 10,000 और हफ्ते में अधिकतम 20,000 रुपए निकाल पाएगा, यानी 20,000 रुपए निकलवाने के लिए एक ही व्यक्ति को हफ्ते में 2 बार बैंक के बाहर लाइन लगाना जरूरी हो गया। 4 दिन बाद सरकार को शायद अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसकी पॉलिसी से तो बैंकों के बाहर और भीड़ बढ़ेगी, तब उसने बदलाव करते हुए नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट से हफ्ते में 24,000 रुपए तक निकाल सकेगा और ये रकम वो एक बार में ही चाहे तो निकाल सकेगा। रोज के खर्च चलाने के लिए तो 10-20 हज़ार में काम चल जाता, लेकिन शादियों के इस मौसम में वे लोग गहरी चिंता में पड़ गए जिनके घरों में शादी होनी है। बैंकों या एटीएम के आगे हर व्यक्ति को लाइन में खड़ा करने को सरकार ने मजबूर तो कर दिया, लेकिन ऐसा करते वक्त वो ये भूल गई कि ये शादी का सीजन है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने जब यह समस्या रखी गई तो उन्होंने भी कोई राहत देने से इनकार करते हुए शादी वाले घरों को चेक अथवा कार्ड से पेमेंट करने की अव्यवहारिक सलाह दे डाली। आज तो जनधन योजना के बाद, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद देश में लगभग अधिकतर लोगों के चेक बैंक अकाउंट्स हैं ही, और जिस किसी का नहीं है उसको 5 मिनट लगेंगे बैंक अकाउंट खोलने में। तो आप ये आवश्यक नहीं कि कैश में खर्चिए। देर से ही सही, लेकिन सरकार ने अब ये नियम बनाया है कि शादी वाले घरों में कोई एक व्यक्ति केवाईसी के जरिए अपने अकाउंट से 2.5 लाख रुपए तक एक मुश्त निकाल सकेगा। जाहिर है जो काम पहले दिन से ही किया जा सकता था उसे समझने और करने में सरकार ने इतने दिन गंवा दिए और लाखों लोगों को परेशानी में डाल दिया। नोटबंदी का असर भारत के उन अन्नदाताओं पर भी पड़ा जो कुछ वर्षों से आर्थिक संकट के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार ने किसानों की चिंता दूर करने की जगह उन पर एक और करारी चोट की। पुराने नोटों पर पाबंदी लग गई तो बहुत से किसानों के पास खाद बीज खरीदने तक के पैसे नहीं रहे। किसान चिंता में पड़ गए कि बैंक की लाइन में खड़े रहें या खेती करें। कृषि मंत्रालय की ओर से आग्रह हुआ कि किसानों को पुराने नोट देकर बीज खरीदने की सुविधा दी जाए, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया। हालांकि सरकार ने अब किसानों को 1000 रुपए तक की राहत और देते हुए हफ्ते में पैसा निकासी की उनकी सीमा 25,000 रुपए कर दी है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। किसान क्रेडिट कार्ड से 25,000 रुपए निकालने की रियायत किसानों को मिली है तथा ऋण चुकाने के लिए और 15 दिन की मोहलत दी गई है। From that account, the farmers can draw up to 25,000 rupees per week. It has to be naturally from the farmer's own account. And let me also add that these accounts have to be KYC compliant. This is the second decision which the government has taken. So this will enable the farmers to have cash in their hands
and to carry on with their normal agricultural activities in terms of purchasing inputs or in terms of purchasing seeds and their other requirements. किसान और अनाज के व्यापारी इस फैसले से कितना प्रभावित हैं, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश की 60% मंडियां अभी बंद हैं। पंजाब, चंडीगढ़, नासिक में किसान प्याज लेकर आए हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है। दरअसल किसान छोटा हो या बड़ा, उनका सारा काम नकदी लेन देन पर होता है। फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है तो उसका असर अन्य कारोबारों पर भी पड़ रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है। अमूमन किसान या आम आदमी भ्रष्टाचार नहीं करता है, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने की कीमत उसे ही चुकानी पड़ती है। कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि बस अब तुम मुझे भूल जाओ, साफ साफ लफ्जों में कह दिया होता कि बहुत जी लिए, अब मर जाओ।